ये व्लॉग जो है चार्ली के ऊपर। चार्ली, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ये चार्ली का डांस चल रहा है। चार्ली बेटा, जनता जानना चाहती है तुम क्या सोच रहे हो, दिखाओ अपना फेस। वैसे तो तुम दिन भर सोते रहते हो, जैसे मेरा काम शुरू होता है तुम सोते हो, जैसे काम ख़त्म होता है तुम उड़ जाते हो, और फिर अंगड़ाई तो ऐसे लेते हो जैसे कि पता नहीं कितना तुमने काम किया है सुबह से। यार नेक्स्ट जन्म में ना मैं पक्का कुत्ता बन के आ रहा हूँ, मेरा फाइनल हो रहा है अब धीरे धीरे। चार्ली यहाँ देखो बेटा, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड, दिख रहा है सबको। यार एक बात बताओ, भगवान ने तुम्हें पूरा गोरा बनाया, तुम्हारा फेस काला क्यों बना दिया? फेस गोरा बनाता, बदन थोड़ा काला बनाता तो चलता, लेकिन भगवान ने उल्टा क्यों कर दिया तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो भगवान जो किया वो किया, नेक्स्ट टाइम तो मैं सफ़ेद कुत्ता बन के आऊँगा, सफ़ेद कुत्ता। ओके चार्ली। हेलो एवरीवन, तो मैं नहा के तैयार हो गया हूँ और पूजा वूजा हो गई है, अब मैं चाय पी रहा हूँ। चाय मेरे लाइफ में बड़ा अहमियत रखता है, और ज़्यादा नहीं पीता हूँ मैं, बिना शुगर का पीता हूँ, लेकिन पीना ज़रूरी है। आज का प्लान ये है कि नीतू जी जाना चाहती हैं मूवी देखने जवान, तो जैसे पठान था वैसे जवान है। अब आप समझ सकते हो कि मेरा क्या दुर्दशा होने वाला है वहाँ पे। पर 6 बजे का प्रोग्राम है, तो पहले जाके समीर को पिकअप करना है, फिर उसको ही मन है देखने का। उसको पठान बहुत पसंद आया, लेकिन मैं बड़ा डॉक्यूमेंट्री सब देखता रहता हूँ। कल मैंने देखा लॉकरबी के ऊपर कैसे पैनम का फ्लाइट क्रैश हुआ था, सो उस तरह का डॉक्यूमेंट्रीज मुझे बड़ा पसंद आता है। मैंने अभी देखा था बहुत सारे लोग कैसे डेथ रो में थे और वो कैसे डील करते हैं सारा चीज़। तो मैं बड़ा डीप सब्जेक्ट्स पे जाता हूँ, यू कैन कॉल इट अ डार्क सब्जेक्ट, अगर आई थिंक इट्स बेसिकली यू नो हॉलोकॉस्ट और ये सब सारा हिस्टोरिकल चीज़ सब देखते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू वॉच दैट। ऐसा नहीं है कि मैं गाना वाना नहीं सुनता और हिंदी मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन आई लाइक थ्रिलर एंड आई लाइक हॉरर मूवीज, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे कॉन्ज्यूरिंग का सारा जो 1-2 करके है वो मैं सारा देखा हुआ हूँ। एनीवे, आज का ये भी प्लान है कि हम जैसे बोले थे जवान जाएंगे, कल हम लोग का प्लान है यहाँ पे दिवाली मेला होता है, तो नीतू जी को फिर वहाँ जाने का मन है। नीतू जी को बड़ा मन करता है जाने का सब जगह, और मैं जो हूँ इज जस्ट दी ऑपोजिट। आई लाइक टू गेट रेडी एंड जस्ट रिलैक्स, लेज अराउंड इन द हाउस, टीवी देखो, और टीवी में भी हिस्टोरिकल चीज़ सब देखो या प्राइम देखो या जो भी देखना है। मैंने थोड़ा देर हड्डी देखा, वो नवाज़ सिद्दीकी का, मुझे कुछ उसका ना पैर समझ में आया ना सिर समझ में आया, तो मैं बंद कर दिया। मैं काफ़ी ब्लॉग्स देखता हूँ, फ्लाइंग बीस्ट का देखता हूँ, फिर अर्जुना एंड दिव्या ब्लॉग्स देखता हूँ। कल का मुझे ब्लॉग उनका बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली अर्जुना जो उसने कहा है अपने दिल से अपने काम के बारे में, दैट वाज वेरी वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स क्लीनिंग इज़ हिज पैशन, सो एज क्लीनिंग इज़ हिज पैशन, डूइंग लॉन्ड्री इज़ माय पैशन। काम के बाद, सोने के बाद, टीवी देखने के बाद अगर मुझे कोई काम इंटरेस्टिंग लगता है तो वो है लॉन्ड्री करना। वॉशर में घुसाओ, फिर वहाँ से निकालो, फिर ड्रायर में रखो, चाहे लॉन्ड्री के हैम्पर में 2 कपड़े हों या 4 कपड़े हों या 5 कपड़े हों। और नीतू जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं क्यों करूं, वो क्योंकि वो करना चाहती हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो चाहती हैं कि मैं सब काम नहीं करूं और वो करें, तो जिसके कारण कि वो सारा काम वही कर रही हैं, जबकि मैं हाथ बटाना चाहता हूँ। यू नो एक ट्रू हस्बैंड क्या है, मतलब लाइफ पार्टनर है ना। तो और ये मैं कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हेल्प करता हूँ अपने बेटर हाफ को, लेकिन जब ज़रूरत है। अब ये नहीं कि रोज़ दिन करता रहूँगा। और फिर आपको दिखलाते हैं आगे आगे वीकेंड का क्या चल रहा है। आज वेदर यहाँ पे थोड़ा रेनी भी है, कूल भी है, अब सितंबर हो गया है, फॉल आने वाला है, तो ठंड तो यहाँ बहुत कस के आती है, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू कैनेडा, हमें वहाँ से आर्टिक एयर आता रहता है, तो जनरली एयर जो है वो पूरा आकर के यहाँ पे ठंड बढ़ाता है। तो ठीक है, फिर आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन रखो,
और इस बार मैं थोड़ा बहुत चार्ली के बारे में भी शूट किया हूँ। चार्ली मेरा बड़ा अच्छा साथी है, तो चलो आपको और दिखाता हूँ आगे आगे होता है क्या। ठीक है, आप बने रहो हमारे साथ। चली को हमेशा बमाची करना है। चल देखो चली को, चली चली देखो देखो बमाची कर ले। पापा को काट भी लेते हैं कभी कभी, बमाची भी करते हैं, बमाची भी करते हैं, काट भी लेते हैं, बमाची भी करती हैं। चली चली देखो 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 पापा को प्याली करना है, देख लो पापा को प्याली करना है, चली का प्याली करना है। चली का बेबी कहाँ है? अरे पापा का बेबी कौन है फिर? चली का बेबी भी है। उफ उफ ओके ओके शुं ओजी बेटे पापा लाया था ना ये। चलो अब पापा जा रहा है, नाश्ता करेगा, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे तुमसे, ठीक है। इतना पुल मत करो बेटा, ऐसे पुल कर रहे हो एकदम। ओ माय गॉड चार्ली, ये तुम कैसे करते हो? ठीक है ले जाओ। क्या हुआ? देखो तुम यह पूंछ भी ला रहे हो और वहां से तुम देख भी रहे हो। किसको देख रहे हो? कौन दिख रहा है? कोई डियर तो है नहीं बाहर? डियर आया है यार? हमारे बिल्ली मेरे को में आओ, ये कौन सी बात है? तो मैं अपना पैर का पेडिक्योर कराने आया हूँ, तो नाम है वीआईपी नेल्स, ये दिखाता हूँ। सो ये देखो आप, मैं पीछे मसाज भी करवा रहा हूँ और ये पूरा पार्लर है, ये सारे चाइनीज या वियतनामीज होंगे। पानी से ये हो रहा है और उसके बाद नीचे भी यहाँ बगल में बैठी हैं, अपना नेल्स और पैर कराएंगे और मैं अपना पैर कराने वाला हूँ। इट्स अ लिटल हॉट, कैन यू मेक इट अ लिटल less hot? less hot, cold. Okay. मैं बैठा हूँ अपने पैटियों में, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, लंच ब्रेक। पता नहीं टाइम का आजकल समझ में नहीं आता है, कब आगे होता है पीछे होता है, इतना काम है कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं सोचा आप लोग के लिए कुछ लेके आऊँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ली बैठा हुआ है, अपना आपको धूप में सेक रहा है। चार्ली क्या कर रहे हो तुम? धूप में सेक रहे हो? अब देखो जैसे धूप का बोला कि सारा धूप ही चली गई। नीतू जी बैठ के खाना खा रही हैं, चार्ली कुछ कुछ कर रहा है, ग्रिल बहुत दिन से हुआ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है यार। बच्चे कॉलेज में हैं। अभी जाके मैंने अपना लाइव स्क्रीनिंग कराया है, सो आई गेट माई ब्लड टेस्टेड एवरी 6 months और एटलीस्ट वंस ए ईयर। अभी 6 months करता हूँ मैं, ऑल माई फिजिकल एवरीथिंग, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑल्सो डू माई लाइव स्क्रीनिंग, जो कि वो लोग देख लेते हैं मेरा यू नो स्ट्रोक, EKG, कुछ एनरिज्म है कि नहीं है, यू नो जैसे गाड़ी का सर्विसिंग होता है वैसे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। माई प्लान इज, मैं आपको प्लान बताऊँगा कि मैं और वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस कैसे लाऊँ। आई एम ट्राइंग टू स्ट्रक्चर माई लाइफ एंड माई टाइम मैनेजमेंट इन अ बेटर वे, सो दैट मैं कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल सकूं और आप लोग के लिए तो पक्का निकाल सकूं। तो मेरे जर्नी में आप लोग चलते रहो। ब्लॉगिंग तो मैं कभी बंद करने वाला नहीं, चाहे मेरे 1 सब्सक्राइबर हों या 100 हों या उससे ज़्यादा हो। आई लव डूइंग दिस, दिस इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी। आई होप यू गाइज सपोर्ट मी। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वॉचिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, एंड देन वी गो फ्रॉम देयर। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइज, बाय।